एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई आन हुआ जख्मी टिंग जोन को बैंडेज करती है। टिंग जोन उसे कहता है कि मैं अब क्राउन प्रिंस नहीं रहा, तुम्हें अब मेरे पास रहकर प्रॉब्लम फेस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जा सकती हो। पर बाई आन हुआ टिंग जोन को कैसे छोड़कर जा सकती थी? वो कहती है कि मैं इस हाल में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। इधर कहानी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम सुआंग फेई है। ये विंग क्लैन की एक ट्राइब की प्रिंसेस है और पैलेस में ही रहती है। इसके साथ ही साथ वो फेंग तियानी को बचपन से बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तो सुआंग फेई अपना मेकअप करने में बिजी थी, तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि फेंग तियानी वापस आ चुका है और वो अपने साथ ह्यूमन क्लैन की एक लड़की को लेकर आया है। ये सुनकर सुआंग फेई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर सोल्जर्स यी फुलिन को लेकर एक रूम में गए थे जहाँ कुछ मेड्स यी फुलिन को सर्व करने के लिए पहुँचती हैं। यी फुलिन उनसे पूछती है कि विंग क्लैन के किंग फेंग तियानी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उसकी इस बात पर सारी मेड्स कुछ नहीं बोलती तो यी फुलिन खुद ही फेंग तियानी को ढूंढने निकल पड़ती है। बाहर आकर वो देखती है कि जो लोग फेंग तियानी को मारने गए थे उनमें से कुछ लोगों को पीयू ने अरेस्ट कर लिया था और अब वो उन्हें पनिशमेंट देते हुए उनके पंख कटवा रहा था। ये देखकर यी फुलिन डर जाती है। तभी पीछे से सुआंग फेई आकर उसे खींचती है ताकि कोई उसे देख न ले। सुआंग फेई मेड के कपड़ों में थी तो यी फुलिन उसे मेड समझती है। सुआंग फेई उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इस पर यी फुलिन उसे पूछती है कि अभी अभी जिन लोगों के पंख काटे गए हैं क्या इसका ऑर्डर फेंग तियानी ने दिया था। इस पर सुआंग फेई कहती है कि नहीं, ये ऑर्डर तो प्रिंस रेजेंट ने दिया था। प्रिंस रेजेंट फेंग तियानी के अंकल हैं। किंग की डेथ के बाद फेंग तियानी की एज 20 साल से कम थी तो सारा काम प्रिंस रेजेंट ही संभालते हैं और पीयू उन्हीं के ऑर्डर पर काम करता है। यी फुलिन कहती है कि तभी तो मैं कहूँ कि फेंग तियानी यहाँ आना क्यों नहीं चाहता, उसके अंकल इतने क्रूअल जो हैं। यहाँ सुआंग फेई उसे अपना नाम जियाओ जुई बताती है और कहती है कि मैं इस पैलेस की मेड हूँ। इसके बाद वो उसे ले जाकर नहलाती है। इसी दौरान वो यी फुलिन से उसके और फेंग तियानी के बीच के रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, जिस पर यी फुलिन उसे बता देती है कि फेंग तियानी ने उसे सेव किया था। इधर फेंग तियानी को एक करप्ट मिनिस्टर जुई सू के बारे में पता चलता है जिसने स्कैम किया था और रिश्वत ली थी, और फेंग तियानी के पूछने पर वो साफ मुकर रहा था और खुद को बेकसूर बता रहा था। यहाँ उसी साइड से उसकी फैमिली का एक और बंदा उसे इनोसेंट प्रूव करने में लगा था, इसका नाम ज्यूलिन है। फेंग तियानी मिनिस्टर जुई सू को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी मेड यी फुलिन का मेकअप कर रही थी, इतने में वहाँ एक और मेड आकर बताती है कि किंग ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। ये सुनकर यी फुलिन खुश होती है और अपने साथ ले जाने के लिए जियाओ जुई को पुकारने लगती है। इस पर मेड उसे बताती है कि इस नाम की यहाँ कोई मेड है ही नहीं। ये सुनकर यी फुलिन हैरान थी। इसके बाद मेड्स उसे ले जाकर फेंग तियानी के पास पहुंचा देती हैं। यी फुलिन विंग क्लैन की ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। फेंग तियानी उसकी तारीफ करता है तो यी फुलिन शर्मा जाती है। फेंग तियानी बताता है कि उसने खुद उसके लिए खाना बनाया है, वो खाना सर्व करने चलता है। इतने में वहाँ सुआंग फेई पहुँचती है जिसे देख कर फेंग तियानी हैरान था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहाँ आएगी। यहाँ यी फुलिन को ये जानकर तगड़ा झटका लगता है कि जिसे वो मेड जियाओ जुई समझ रही थी वो विंग क्लैन की प्रिंसेस सुआंग फेई है। सुआंग फेई यी फुलिन को इग्नोर करती हुई फेंग तियानी को पटाने में जुट जाती है और फेंग तियानी को उसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो टेबल पर मौजूद डिशेज को चेक करती है तो सारे पके हुए खाने थे। ये देखकर वो कहती है कि विंग क्लैन में तो रॉ फूड खाए जाते हैं और तुम्हें भी तो यही पसंद था, पर ये पके हुए खाने यहाँ क्या कर रहे हैं। फेंग तियानी कहता है कि वक्त के साथ कभी कभी लोग बदल जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर सुआंग फेई हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फेंग तियानी और यी फुलिन दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो लोग गार्डन में टहलने जाते हैं। यहाँ फेंग तियानी की नज़र मिनिस्टर जुई सू और जुई लिन पर पड़ती है। वो लोग भी बड़े मजे से वहाँ टहल रहे थे। फेंग तियानी गुस्से में उनके पास जाकर सोल्जर से कहता है कि आखिर अभी तक इस बंदे को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया। इस पर ज्यूलिन उसे बताता है कि इन एग्जीक्यूट न करने का ऑर्डर प्रिंस रेजेंट ने दिया है। ये सुनकर फेंग तियानी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम को यी फुलिन एक ड्रीम देखती है जिसमें टिंग जून उसे लेने आया था और उसके हाथ में ब्लड लगा था। यी फुलिन को याद आता है कि इसी ने मेरे फादर को मारा है, वो डर गई थी। जिस पर टिंग जून के फेस पर इविल एक्सप्रेशन आ जाते हैं।
इसी के साथ ये फुरिन किडनी टूट जाती है। नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह पैलेस में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक रूम में जा पहुंचती है जहां प्रिंस रेजेंट पानी की बूंदों को प्यालों में टपका कर म्यूजिक सुन रहे थे। ये फुरिन उसे देखते देखते एक खम्भे से टकरा जाती है। तो प्रिंस रेजेंट कहते हैं कि तुम यहां बिना इजाजत क्यों घुसी चली आ रही हो। इस पर ये फुरिन उन्हें बताती है कि आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ी है। फिर वो ध्यान से देखकर उनमें से एक कप उठाती है जो टूटा हुआ था। ये देखकर प्रिंस रेजेंट हैरान होते हैं। उन्हें ये फुलिन उनकी मरी हुई वाइफ की तरह लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे कान काफी अच्छे हैं, तुमने इतना माइनोर साउंड सुन लिया, कल इसी टाइम तुम यहाँ आना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हुआन जेंग ने मशीन बनाकर तैयार कर ली थी। वो उस मशीन की हेल्प से दीवार तोड़कर दूसरे रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसकी नज़र जीसू पर पड़ती है। जीसू ने अब भी मास्क पहना हुआ था। हुआन जेंग उसे कराहने की आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है। करीब जाकर वो उस प्रिजन चेयर को हैरानी से देखने लगता है जिसमें जीसू कैद था। जीसू कहता है कि इतने ध्यान से मत देखो, इसे खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हुआन जेंग कहता है कि ऐसी कोई प्रिजन नहीं है जिसे मैं ओपन न कर सकूं। मुझे पता है कि ये मशीन ग्रेट साइंटिस्ट जीसू ने बनाई है, मेरे पास उनकी लिखी बुक भी है। इतना कहकर वो उसे खोलने में जुट जाता है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर जीसू उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब यहाँ कोई नहीं होगा तब आना। हुआन जेंग उसे दोबारा आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ क्वीन एंटर करती है। वो जीसू के फेस से लगा मास्क हटाती है तो यहाँ जीसू का ओरिजिनल फेस रिकवर हो चुका था। क्वीन को उसे देखकर अपना पास्ट याद आता है, जब वो स्टार पवेलियन में पहली बार जीसू से मिली थी, किस तरह उन दोनों में जान पहचान बढ़ी और किस तरह वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। जीसू जब भी कोई मशीन बनाता था वो उसे बाइजू को जरूर दिखाता था। स्काई कैस्टल का आइडिया भी उसी का था। एक्चुअली उसने सोचा था कि वो एक कैस्टल बनाएगा जिसके कोर में वो शूटिंग स्टार के पोलैंड को ऑब्जर्व करके उड़ने वाली एक मशीन लगाएगा जिससे पूरा कैस्टल ही उड़ने लगेगा। बाइजू को उसका ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उस कैस्टल के ब्लूप्रिंट को चुरा कर किंग को दे देती है, जिस पर किंग जीसू को मार डालने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। जीसू को भी ये बात पता चल गई थी कि बाइजू ने स्काई कैस्टल का ब्लूप्रिंट चुरा कर किंग को दिया है। वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, जिस पर वो बाइजू से ब्रेकअप करके चला जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। बाइजू जीसू से बोलती है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, अब तुम देखो कि किस तरह मैं स्काई कैस्टल बनाकर ह्यूमन क्लैन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।